नमस्कार। आज की मेरी यह वीडियो सबसे शक्तिशाली जूस के बारे में, जिसे आप चाहे तो फ्रूट्स भी कह सकते हैं और जिसे आप चाहे तो वेजिटेबल भी कह सकते हैं। इसे लोग अपने घर के बाहर सिर्फ इसलिए लटकाते हैं ताकि उनके घर में किसी भी तरह की बुराई प्रवेश ना कर सके और उनके घर में हमेशा एक पॉजिटिविटी का माहौल बना रहे। तो जरा सोचिए, जब यह चीज हमारे शरीर के अंदर जाएगी तो यह हमारे शरीर की कितनी ही बीमारियों को ठीक करेगी, साथ ही सारे शरीर को पूरे दिन पॉजिटिव ऊर्जा से भर देगी। मैं बात कर रही हूँ सफेद पेठे की। इसे कुछ लोग एसगार्ड के नाम से भी जानते हैं। और आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस अनोखी चीज से हमारे क्या क्या बीमारियां दूर हो सकती हैं, साथ ही साथ आप इसका सेवन किस तरह से कर सकते हैं और किन किन लोगों को इसका सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही जानेंगे कि इसका सेवन करने पर आपको किन किन बातों का ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एसगार्ड के अंदर कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीज, विटामिन ए, सी और ऐसे ही बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं और हमारे दिन को ऊर्जा से भर देते हैं। एसगार्ड के ऊपर काफी रिसर्च हुई है, जिसके अंदर यह पाया गया है कि अगर आप हर रोज एक गिलास एसगार्ड के जूस का सेवन करते हैं तो यह आपके शरीर में कैंसर पैदा करने वाली कोशिकाओं की संख्या को बहुत ही कम कर देता है। इसका मतलब यह हुआ कि यह हमारे कैंसर होने के खतरे को भी कम कर देता है। एसगार्ड हमारे वजन को भी आसानी से कम कर सकता है। बहुत सारे लोगों को मोटापे की समस्या होती है या वो अपना वजन कम करना चाहते हैं। जब हम एसगार्ड के जूस का सेवन करते हैं तो यह पहले दिन से ही अपना कार्य शुरू कर देता है। जिस दिन से आप इसे लेना स्टार्ट करते हैं या उसी दिन से फैट को काटना भी शुरू कर देता है, जिससे धीरे धीरे हमारे बॉडी का फैट कम होता है और हमारा वजन भी कम हो जाता है। एसगार्ड हमारी बॉडी के जहरीले टॉक्सिन को बाहर निकालने में बहुत ही मददगार है। यह हमारी बॉडी के टॉक्सिन को बाहर निकालता है। जो भी खाना हम खाते हैं उससे हमें जो भी न्यूट्रिशन मिलते हैं वो हमारे शरीर के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनके हमारे शरीर में कोई आवश्यकता नहीं होती है और हमारा शरीर उसे बाहर भी नहीं निकाल पाता है और वो पड़े पड़े हमारे शरीर में गलती सड़ती रहती हैं और बहुत सारी बीमारियों को जन्म देती रहती हैं। तो एसगार्ड का जूस हमारे शरीर में पड़ी इसी गंदगी को आसानी से निकाल सकता है। यह एक वैक्यूम की तरह हमारी बॉडी से सारी गंदगी को बाहर निकाल फेंकता है, जिससे कि हमारी बॉडी अंदर से पूरी तरह से क्लीन हो जाती है। और धीरे धीरे जब हमारी बॉडी अंदर से क्लीन हो जाएगी तो हमारे बहुत सारी बीमारियां भी अपने आप ही कम हो जाएंगी। यह बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, साथ ही साथ यह डायबिटीज को भी कंट्रोल में रखता है। यह बीपी को नियंत्रित करता है, साथ ही साथ थायराइड में भी यह राहत देता है। यह अनीमिया की बीमारी को दूर करता है। यह हमारे खून को बढ़ाता है, साथ ही साथ हमारे खून को साफ करता है, जिससे कि हमारे हृदय को रक्त को चलाने में ज्यादा ऊर्जा का प्रयोग नहीं करना पड़ता है। इससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। हमारे ब्लड सर्कुलेशन के बढ़ने से ब्लड हमारे सर में भी आसानी से पहुँचता है और हमारे बाल झड़ने की समस्या भी इससे ठीक हो जाती है। यह हमारे फेफड़ों में जमे बलगम को निकालता है, साथ ही साथ यह हमारे खून को साफ करता है, जिससे कि हमारे स्किन पर होने वाली बहुत सारी प्रॉब्लम जैसे दाद, खाज, खुजली या और किसी तरह के स्किन इन्फेक्शन जल्दी से ठीक हो जाते हैं और हम इन समस्याओं से बचे रहते हैं। जब हमारा खून साफ होता है तो हमारे शरीर में होने वाली किसी भी तरह की जलन और सूजन भी अपने आप ठीक हो जाती है। यह है बहुत सारे रोगों जैसे कि गठिया, थायराइटिस, नी पेन, बैक पेन जैसी समस्या को भी हल करता है। हम मनुष्यों को इस तरह का भोजन करना चाहिए जिसके अंदर 80% एल्कलाइन और केवल 20% एसिडिक होना चाहिए, लेकिन जो भोजन आज हम कर रहे हैं उसके द्वारा हम अपनी बॉडी में केवल 20% एल्कलाइन और 80% एसिडिक ले रहे हैं, जिससे हमारे शरीर में एसिड की मात्रा बढ़ जाती है और एसिड की मात्रा बढ़ने से हमारे शरीर में हड्डियों से संबंधित परेशानियां शुरू हो जाती हैं। एसगार्ड के जूस का प्रयोग करने से आपकी हड्डियों संबंधी समस्याएं भी दूर हो जाती हैं, क्योंकि एसगार्ड के अंदर जूस बहुत ज्यादा मात्रा में होता है और जूस ज्यादा मात्रा में होने के कारण यह एक बहुत ही अच्छा एल्कलाइन है। इसलिए जब हम इस जूस का सेवन करते हैं तो यह सीधा हमारे खून में मिल जाता है, जिससे कि हमारी हड्डियों से जुड़े रोग भी कम हो जाते हैं। यह हमारे शरीर में बनने वाली किसी भी तरह की गांठ, रसौली, सिस्ट, पथरी इन सभी को भी आसानी से बाहर निकाल सकता है।
यह महिलाओं को होने वाले रोगों को दूर करता है, साथ ही साथ यह आंत के कीड़ों को भी मारता है। यह हमारे कब्ज की समस्या को दूर करता है और हमारे डाइजेशन को भी बेहतर बनाता है। इसके सेवन से हमारा दिमाग तेज होता है। जब आप इसका सेवन करते हैं तो कुछ ही दिनों में आप यह महसूस कर सकते हैं कि आपका दिमाग पहले से ज्यादा तेज हो गया है और आप ज्यादा आसानी से अपने निर्णय ले पा रहे हैं। साथ ही साथ यह आपकी स्मरण शक्ति को भी बढ़ाता है। बहुत सारे लोगों को दिन भर थकान रहती है, अगर आप इस जूस का सेवन करते हैं तो यह आपकी थकान को दूर करता है, साथ ही साथ आपके दिन को ऊर्जा से भर देता है। एस गार्ड को आप किसी एक बीमारी के साथ नहीं जोड़ सकते, क्योंकि यह आपकी बहुत सारी बड़ी बड़ी बीमारियों को ठीक कर सकता है। आप इसका सेवन कई तरह से कर सकते हैं, जैसे आप इसकी सब्जी बनाकर खा सकते हैं या फिर आप इसे सलाद के रूप में भी खा सकते हैं। लेकिन इसका सबसे बेस्ट तरीका है कि आप इसका जूस निकालें और उस जूस का आप सेवन करें। तो चलिए देखते हैं कि आप इसका जूस किस तरह से निकाल सकते हैं। सफेद पेठे का जूस बनाने के लिए हमें इस तरह का सफेद पेठा चाहिए। यह आपको आपकी आसपास की मार्केट में आसानी से मिल जाएगा और यह बहुत ही सस्ते प्राइस में भी मिलता है। आप इस तरह का पेठा लें, उसकी ऊपर के छिलके को निकालें और अंदर के बीज को भी अलग कर दें और बीज के गूदे को आप छोटे छोटे पीसेस में कट कर लें। इसी सफ़ेद पेठे का स्वीट वाला पेठा भी बनाया जाता है जो हम त्योहारों पर खरीदते हैं। तो मैं इसके आपको पीस कट करके दिखाती हूँ। देखिए, मैंने उस पेठे में से हाफ पेठे को यूज किया है। अंदर के गूदे के मैंने इस तरह से छोटे छोटे पीस कट कर लिए हैं। यह अंदर से देखिए कितना वाइड है, इसीलिए इसे सफ़ेद पेठा कहते हैं। और यहाँ पर मैंने छिलके और बीज को अलग कर लिया है, हम इन्हें यहाँ फेंक देंगे। इसे हम मिक्सी के जार में डालकर बिल्कुल ही बारीक पेस्ट बनाएंगे। साथ में मैं इसमें डालूंगी यह पुदीने की पत्तियां, इन्हें आप अच्छे से धो लें। और एक लेमन हम बाद में ऐड करेंगे जूस निकालने के बाद। पहले मैं इन दोनों चीजों को मिक्सी के जार में डालकर इनका अच्छे से पेस्ट बनाऊंगी और उसे बाद में छान लेंगे। पुदीने की वजह से इसका टेस्ट और भी ज्यादा बढ़ जाएगा और इसमें से अच्छी सी पुदीने की खुशबू भी आएगी। देखिए, मैंने इसमें से हाफ पेठे को इसमें डाल लिया है। मैं इसे दो बार में ग्राइंड करूंगी। इसमें मैंने कुछ पुदीने की पत्तियां भी डाल ली हैं। इसे मैं अच्छे से ग्राइंड कर लेती हूँ। देखिए, मैंने इसे बारीक पीस लिया है, यह इस तरह का पेस्ट हो गया है। अब इसका जूस आराम से निकल जाएगा। आप इस तरह से किसी भी कपड़े को यूज कर सकते हैं, कॉटन का कोई भी कपड़ा लेकर आप इसे इस तरह से हम छान लेंगे। आप अगर कपड़े का यूज ना करें तो छलनी का यूज भी कर सकते हैं। मैंने इसे इसमें रख दिया है। अब मैं बाकी पेठे को भी पीस लूँगी। देखिए, मैंने इसे भी ग्राइंड कर लिया है। अब मैं साथ में इसे भी छान लूँगी। अब मैं इस कपड़े को इस तरह से करके, देखिए मैंने नीचे यह जाली भी रखी हुई है। अब मैं इसे अच्छे से निचोड़ लूँगी। देखिए कितनी आसानी से निकल रहा है। देखिए, मैंने इसे छान लिया है। यह हल्का ग्रीन कलर का है। मैंने इसमें पुदीना ऐड किया था, इसलिए इसका कलर ऐसा आया है। अगर आप इसमें पुदीना ऐड नहीं करेंगे तो इसका कलर और भी लाइट ग्रीन होगा। इसे छानने के बाद जो वेस्ट बचा है वह सिर्फ इतना है। इसमें बहुत ज़्यादा जूस होता है, इसलिए जूस की क्वांटिटी ज़्यादा है और वेस्ट की क्वांटिटी देखिए कितनी ही कम है। अब मैं इसमें यह एक चम्मच काला नमक डाल दूँगी और इसमें हम ऐड करेंगे लेमन। मैं इसमें हाफ लेमन का यूज करूंगी। आप चाहें तो पूरे एक लेमन का यूज भी कर सकते हैं। ये सभी चीज़ें इसके टेस्ट को और इसकी गुणवत्ता को और भी ज़्यादा बढ़ा देंगी और ये आपको पीने में बहुत ही टेस्टी लगेगा। बच्चे भी इसे आराम से पियेंगे। तो आप इस हेल्दी जूस को बनाइए और ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए, हमारा जूस बनकर तैयार है। यह बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है, टेस्टी है और यह बहुत ही ज़्यादा सस्ता भी है। तो आप इसे घर पर अपने हाथों से बनाइएगा ताकि इसमें मिलावट का भी कोई चांस ना हो। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि आप इसका जूस कितनी आसानी से घर पर निकाल सकते हैं। आप चाहे तो इसका जूस मिक्सी में ग्राइंड करके निकाल सकते हैं या फिर आप चाहे तो जूसर में इसका जूस निकाल सकते हैं। और अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें उपलब्ध नहीं है तो आप इसे कद्दूकस कर लीजिएगा और उसके बाद इसे अच्छी तरह से किसी कपड़े में डालकर अच्छे से निचोड़ लीजिएगा और आपका जूस तैयार हो जाएगा। एस गार्ड की तासीर ठंडी होती है। जब आप इसका सेवन करेंगे तो यह आपके शरीर को पूरा दिन ठंडक देगा। जिन लोगों को जुखाम की परेशानी रहती है या फिर जिन्हें अस्थमा और सांस संबंधी कोई परेशानी है, वो लोग इस जूस के अंदर कुछ मात्रा में शहद और काली मिर्च का पाउडर मिलाकर इसका सेवन करेंगे तो उन्हें इससे कोई भी परेशानी नहीं होगी।
लेकिन किन्हीं लोगों को इससे लेने से सांस संबंधी कोई परेशानी होती है तो वो लोग इसका सेवन ना करें, और अगर किन्हीं लोगों को इसका सेवन करने से डायरिया की परेशानी होती है तो वो लोग भी इसका सेवन नहीं करेंगे। यह जूस बच्चों के लिए भी पूरी तरह से सेफ है। अगर आप इस जूस को अपने बच्चों को देते हैं तो यह उनकी स्मरण शक्ति को बढ़ाएगा, साथ ही साथ उनके दिमाग को भी तेज करेगा, जिससे उनका मन पढ़ाई में और भी अच्छी तरह से लगेगा। इस जूस को लेने का सबसे अच्छा समय है कि आप इसे सुबह सुबह ही लें। सुबह सुबह हमारे शरीर में जमी गंदगी को बाहर निकालने के काम में लगा होता है, और जब हम ऊपर से इस जूस का सेवन करते हैं तो यह हमारे शरीर का गंदगी को बाहर निकालने के कार्य में और भी ज़्यादा मदद करता है, और जिससे हमारी बॉडी अच्छी तरह से क्लीन हो जाती है। जब आप इसे ले रहे हैं तो आप 1 घंटा पहले और 1 घंटे बाद किसी भी चीज़ का सेवन ना करें। जब हमारी बॉडी का वेस्ट शरीर से बाहर निकल जाएगा तो इससे हमारी बॉडी स्वस्थ बनेगी, हमारे शरीर में बीमारियाँ कम होंगी और हम तरोताज़ा महसूस करेंगे। आप इस जूस का सेवन इसे निकालते ही कर ले तो वह आपके लिए सबसे ही बेस्ट है। आप इसे घूट घूट कर पिएंगे। बहुत सारे लोग गर्मियों में ठंडक पाने के लिए कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह का यूज करते हैं, या फिर और बहुत सारे ऐसे जूस का प्रयोग करते हैं जिन्हें बनाने के लिए बहुत सारे केमिकल और आर्टिफिशियल फ्लेवर और कलर का यूज किया जाता है, जिनका कि हमारे स्वास्थ्य पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। तो बेहतर होगा कि आप अपनी मेहनत की कमाई को ऐसे अच्छे जूस पर इन्वेस्ट करें, जिससे कि आपका स्वास्थ्य भी अच्छा हो और आपके पैसे भी बचें। मेरी आप लोगों से यही विनती है कि आप लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा जागरूक हो और अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने पर थोड़ा सा ध्यान दें, ताकि हमारी आने वाली समस्याएं कुछ कम हो सकें। एसगार्ड आपको हर जगह पर सब्जी वाले के पास आसानी से मिल जाएगा। यह कीमत में भी बहुत कम होता है। गर्मियों के मौसम में अक्सर लोग मौसम्बी का जूस पीना पसंद करते हैं, लेकिन यह जूस आपको मौसम्बी के जूस से भी सस्ता पड़ेगा। हम अपने बहुत सारे पैसे अपनी बीमारियों को ठीक करने में लगा देते हैं, तो क्या यह बेहतर नहीं होगा कि हम अपने पैसे को किन्हीं अच्छी आदतों में, अच्छी चीज़ों में इन्वेस्ट करें, जिससे कि हमारी होने वाली बीमारियाँ बहुत ही कम हो जाए और हमें उन्हें ठीक करने की भी ज़रूरत ना हो। आज आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा तो ही आप कोई दूसरा कार्य कर पाएंगे। तो इसलिए जरूरी है कि आज हम अपने स्वास्थ्य पर थोड़ा सा ध्यान दें और अपने आज और कल को बेहतर बनाएं। आई होप मेरी यह वीडियो आप लोगों के लिए कुछ हेल्पफुल रही होगी, और अगर आपको मेरी इस वीडियो से किसी तरह की कोई जानकारी मिली हो या मेरी यह वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा। अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ इस बेहतर वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि और लोग भी अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकें और एक अच्छा जीवन जी सकें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे इस चैनल का उद्देश्य है कि जितना संभव हो सके हम केमिकल वाली लाइफ को छोड़कर नेचुरल चीज़ों की ओर बढ़ सकें, जिससे हम अपनी और अपने परिवार की लाइफ को और भी बेहतर बना सकें। मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट सैटरडे सुबह 11 बजे। तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे हैप्पी। धन्यवाद।